जय श्री राम दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टूडेंट ज्ञान में। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और नहीं मालूम चलता है कि कब कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यह चैनल आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जस्ट वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जुटने के बाद एक काम और करना है, वो यह कि ऑल नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे आपको क्लिक करना है। इससे यह होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और ये दोनों काम बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी करें ताकि आने वाले जो भी मेरे वीडियो उनसे आप अपडेट रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिहार विधानसभा रिजल्ट 2020 आ चुका है, ठीक है। ये टाइपिंग का रिजल्ट है, स्टेनोग्राफ का रिजल्ट है, ठीक है, जो कि जिसमें कि टोटल वैकेंसी 41 है। और ठीक है दोस्तों, तो कैसे इसको डाउनलोड करना है मैं आपको यह बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस पेज का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और नीचे जाना है। नीचे जाते हुए आपको दो तीन लिंक मिलेंगे यहां पर, ठीक है, डाउनलोड फाइनल रिजल्ट, डाउनलोड रिजल्ट और डाउनलोड पीए टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पीए रिजल्ट भी है और स्टेनोग्राफ भी है, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे वो सब का सब यहाँ पर डाउनलोड होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक स्टेनोग्राफ का रिजल्ट को मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो पेज डाउनलोड पे क्लिक होगा और एक नया पेज यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जन्मतिथि, जेंडर, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट आए हैं और ये मात्र दो पेज का है। उसके बाद यहाँ पर आपको सूचना दे रहा है, अभ्यर्थी सत्यापन हेतु बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रक्रिया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, ठीक है, मैत्री उड्डीन प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट एवं सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र भी आपको लाना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, अविवाहित विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग के लिए अस्थायी निवास पर प्रमाण पत्र, यही सब आपको लाना होगा सत्यापन के लिए दोस्तों। तो यही छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हमें कोई सुधार चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, या फिर और कुछ आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपके फ्रेंड लोग को भी पता चल पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।